हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इकबाल, खुश आमदीद, लाइव मौजूद हैं आप सबके साथ ऑन K21 न्यूज़। खुश आमदीद, वेलकम टू अवर शो जो जो जहां जहां मौजूद है। अच्छा जी दोस्तों, हम बात कुछ ऐसी है कि बात की जाती है ना खुशी की, तो अब हमारी ज़िंदगी में या वैसे जो लगता है कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कभी खुश होते हैं कभी खुश नहीं होते, तो कहा जाता है कि खुशी का ताल्लुक जो होता है ना आपके अपने आप से होता है, आपके अपने ज़ात से होता है या मेंटली तैयारी से होता है। कहते हैं ना डिज़ाइन योर फ्यूचर, तो डिज़ाइन करें अगर आपको खुश रहना है तो उसके लिए आपको खुद खुश रहना पड़ता है। यू नो, एक आदत डेवलप करनी होती है और ये फीलिंग्स होती है कभी खुशी वाली दुख वाली, ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने ये वादा नहीं किया कि खुशी है तो कभी गम नहीं आएगा, सुख है तो कभी दुख नहीं आएगा, कभी परेशानी नहीं आएगी, अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया, तो ये चलता रहता है लेकिन यू नो इन द एंड सेट हो जाता है। तो यही कहेंगे क्योंकि आई थिंक वजह ये कहने की, क्योंकि हम बात करते हैं खानों की सेहत की, देखिए कि रिसर्च ये बताती है बहुत सी प्रॉब्लम्स बीमारियों की वजह मेंटली जब आप सिक होते हैं, यू नो मेंटली सिक होना ये ज़्यादा खतरनाक है कॉम्पिटिवली किसी बीमारी का होना। तो इस बात के साथ खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह इतने लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम थिएटर जाते हैं, रेडियो, काफ़ी जगहों पे, तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे लगता है कि शायद मुझसे ज़्यादा काबिल भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन शायद उनको इतना लोग नहीं जानते या वो इतना यू नो पैसा नहीं कमाते, उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। तो आई थिंक ये मोहब्बत है आपकी और करम अल्लाह ताला का। इसी बात के साथ खुश आमदीद, आज बिरयानी बना रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट। बम्बई बिरयानी बनती थी, सिंधी बिरयानी बनती थी, बाकी दीगर बिरयानी अब, लेकिन एक यू नो एक चेंज आया, एक हमारे यहाँ खानों में जो चेंज आया, चेंज ये आया कि वाइट सालन बनने लगे, वाइट कढ़ाई बनने लगी, वाइट सफ़ेद कौरमा बनने लगा। ठीक है, तो आज हम सफ़ेद बिरयानी बना रहे हैं, वाइट बिरयानी। वाइट बिरयानी बनाना चैलेंज है, जब आप इसमें दबाकर आप लाल मिर्च ऐड कर लें, इतनी जो मसाले ऐड कर लें, बिरयानी मज़े की बन जाती है। लेकिन इसको बिरयानी को अच्छा बनाना एक ट्रिकी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। जैसे कि पास्ता ब्रेड में बना लें, अरेबियाता या बाकी दीगर पास्ता, लेकिन वाइट सॉस का जो पास्ता होता है मेरे ख्याल से रियल फ्लेवर होता है, वाइट बिरयानी का रियल फ्लेवर है एक तरह से, मेरे ख्याल से मज़ा आता है, मुझे बहुत पसंद है खाने में भी। तो आपके लिए इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करें, क्विकली इसके इंग्रेडिएंट्स देखें, उसके बाद प्रोसेस की जानिब चलेंगे। वाइट किस तरह बनती है, इसमें लाल मिर्च नहीं होती, इसमें हल्दी नहीं डलता, इसमें धनिया पाउडर नहीं है, इसमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये चीज़ें चेंज करेंगे तो ये टूवर्ड्स सफ़ेद बिरयानी जाएगी। तो मुर्ग मौजूद है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा कल हम लाइव शो नहीं कर रहे इसलिए आज आपके लिए बिरयानी आज चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर मंडे से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अच्छा ये हड्डी वाला मुर्ग मौजूद है, हड्डी वाला चिकन हाफ के जी, आधा किलो, दीगर अज्जा में अदरक लहसुन पिसा हुआ, ठीक है जी। मुर्ग हड्डी वाला, और मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि इसमें गोश्त भी बगैर हड्डी का हो, बोनलेस हो, लेकिन हड्डी वाला ज़रूरी है क्योंकि हड्डी वाला गोश्त जो होता है उसमें जायका ज़्यादा अच्छा होता है, मीट जूसी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधा किलो ये हड्डी वाला गोश्त मौजूद है, जायफल जावित्री, वन ऑफ दी यू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट टू मेक बिरयानी। ये ऐड करना है सफ़ेद ज़ीरा, नमक, गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च भी हल्की सी, इतना ज़्यादा ऐड नहीं करनी, अदरक लहसुन है, दही है और फ्रेश क्रीम इसमें हम ऐड करने जाएंगे। और साथ ही चावल बॉयल्ड मौजूद हैं, आई होप आप देख पा रहे हैं, एक दाना अलहदा अलहदा बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट, ठीक है जी। बॉयल्ड चावल हैं, रायता, सैलड, ये चीज़ें होंगी। और एक और ख़ास बात इसकी भी है, प्रोसेस का भी आगाज़ करते हैं, एक और इसकी ख़ास बात आपको बताऊँ वो ये कि आई थिंक क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा पिसे हुए मसाले नहीं हैं तो कॉम्पिटिटिव सेहत के लिए भी मज़े की होगी, यानी कि अच्छी होगी, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा इतने स्पाइसेस नहीं है। जो मिर्च की तेज़ी हमें हासिल करनी है उसमें हम ग्रीन चिली में ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्चें। एक हमारी दोस्त हैं जो ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर है पाकिस्तान की, जो लंदन में भी शोज़ करवाती हैं, जो अमेरिका में भी, थ्रू आउट दी वर्ल्ड, नाज़नीन तारिक जी, उनके घर में वो जब भी आती थी हमारे शो में एक और चैनल पर,
उनके घर में यू नो ये सब सब्ज मिर्च ही ऐड करते थे, कोई पिसे हुए मसाले उनके तब नहीं शामिल करते, तो ऐसा करते हैं बहुत से लोग। ठीक है जी, और डॉक्टर सरमद ने तो वाजे तौर पर लिख लिया, बता दिया कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स से सही इंतखाब नहीं कर रहे तो मत सोचिए कि आपकी सेहत बेहतर होगी या हो सकती है। ठीक है ना, तो मेक श्योर कि इंग्रेडिएंट सही लें, चीज़ों का सही इस्तेमाल करें, यही चीज़ें जैसे जी बिल्कुल बदलाव आता है। तो चलिए जी प्रोसेस का आगाज करते हैं। कॉल्स बिल्कुल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो सही 4 कॉल्स लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि कभी हम बहुत ज़्यादा कॉल्स लेते हैं, कभी कम लेते हैं, तो बात थी कुछ ऐसी। ठीक है जी, तो इसमें ऐड करें ऑयल, और हमारे सरमद भैया का दिल छोटा, सरमद भैया दिल छोटा ना करें, लाइफ तो चेंज हो जाती है, दुख तो कम हो जाते हैं, खुशी तो आ जाती है, पैसा भी आ जाता है, सब सेट हो जाता है, फिक्र ना करें यार। आप जब दुखी होते हैं ना तो हमें बेचैनी होने लगती है। इस तरह स्लाइस करें। ठीक है जी, तो सूरत हाल बहुत बेहतर है, बेहतर सूरत हाल है। ये हुकूमत वाले डायलॉग नहीं बोले, सूरत हाल बेहतर बेहतर है, ये किसी के करने से नहीं है, बस ये करम है अल्लाह ताला का। स्लाइस करें जी, ठीक है जी, स्लाइस करें, उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है, इतनी ऐड करनी। ठीक है जी, और मेहमान मौजूद हैं, देखें कहाँ से, ऑल द वे हमारे पसंदीदा शहर लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इकबाल भाई जी? नादिया बात कर रही हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। बस आपको पता है आपका नाम मुझे कितना पसंद है। थैंक यू। अच्छा पहले ये बताया, आप अपनी रेसिपी का नाम क्यों नहीं लिखते? आप सोचते रहते आज क्या बन रहा है, ये स्क्रीन पे कहीं नजर नहीं आ रहा, ये कह रही है? हाँ जी, कहीं नहीं नजर आ रहा था। बस सही है, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी राय सर हमको भी आपका पैगाम पहुंच गया। दो दो चटनियां बनाना बता दे। क्या चीज? चटनियां, दो चटनियां। कौन सी चटनियां? कौन सी? मैंगो की, मैंगो की खट्टी नहीं कह रही थी कि चटनियां दो? अच्छा मैंगो है, आम की चटनी। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। और कोई डिश विश बना ली, रेसिपी कुकिंग कर ली, डिनर बना लिया आपने अपना? हाँ जी, मैंने चार डाली है माशाल्लाह, लसूड़े का, आम का। ओहो क्या बात है जी, मौसम कैसा है नादिया जी? गर्मी गर्मी गर्मी, कराची में जैसे ठंड हो रही है, जैसे यू नो बादल बरस रहे हैं, जैसे बर्फबारी हो रही हो। बस एक वक्त आएगा कि उल्ट हो जाएगा, जहाँ बारिश नहीं होती उधर होगी। देखते हैं नादिया जी क्या होता है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ऐसा होता भी है। हाँ जी, अच्छा ये कैसे बनाती है? ये जो आपको चिली सॉस का पता ही होगा, ये स्पाइसी वाली हो, बिल्कुल इतनी स्पाइसी नहीं होती जो इसमें डालते हैं सूप में, इस चीजों में। क्या है स्पाइसेस, क्या चीज? ये चिली सॉस बता दे। अच्छा सही, वो हम एक तो ये बोतल में मिलती है। अच्छा आपको ऑनर बताते हैं, ऑनर बताते हैं। हाँ जी ठीक है, बता दे मेहरबानी। अच्छा अल्लाह हाफिज। आमीन, थैंक यू, खुदा हाफिज। देखिए प्याज पहले ऐड कर लेते हैं। ऑयल के अंदर ऐड किए प्याज। अच्छा इनका सवाल के वो जो चिली सॉस स्पाइसी कैसे बनती, इसकी भी बहुत वैरायटी है, बहुत रेंज है, बहुत से ब्रांड्स हैं, है ना, बहुत से ब्रांड्स हैं, और होममेड भी बनती है। एक कराची की 5 स्टार होटल में जाओ, अच्छा नॉर्मल तो जो बॉटल वाली तो आपको इजीली मिल जाती है। एक हम बनाया करते थे एक 5 स्टार होटल में, और ये एक शेफ आए थे चाइना से, उनका नाम भी आपको बता, उनका नाम था सियाओ बिंग। ठीक है, जो मैं कहता ना वाइया हूँ, हमारे एक एग्जीक्यूटिव शेफ थे इब्राहिम साहब, उनको कहते थे वाइया। तो उनका क्या फार्मूला था कि वो लाल मिर्ची होती है साबुत, ये लाल मिर्च कुटी थी बहुत ज़्यादा, वो लेते थे उसमें वो सिरका ऐड करते थे, वेनेगर कुछ और चीज़ें और ऑयल, और से 4 हफ्ते तक उसको एक पतीले में यू नो पेक करके रखते थे, उसके बाद एक अलग ही सॉस बनती थी।
उसको हम कहते हैं माला सोस, तो उस टाइप की भी लाल मिर्च आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी होममेड या बाकी रेडीमेड तो मिल जाती है आपको आसानी से, तो ये ठीक है जी। एक आइडिया ले लें, उसके बाद आप खुद भी अपनी रेसिपी डेवलप कर सकते हैं। मैंने काफी रेस्टोरेंट होटल में ऐसा किया। प्याज बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना इसके लिए, ठीक है जी। तो यही बात है जी, और शुक्रिया जो लोग देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल का तो हमारा बेस्ट शो है। पहले हम क्या करते थे कि हम लगाते थे रेटिंग वगैरह, अब आजकल नहीं बताते, बताते नहीं तो क्या हुआ, ठीक है जी। बट यही सच है, एंड आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम जाते हैं कहीं ट्रैवल करते हैं, लोग काफ़ी अपना पैगाम पहुंचाते हैं। लाइट ब्राउन करना है, मुर्गेट करना है, बाकी चीज़ें सफ़ेद बिरयानी बना रहे हैं, सिलसिला जारी। और बजाय पिसी हुई मिर्चों के यहाँ हमने इसमें ये ग्रीन चिलीज हैं, साबित ग्रीन चिली से चॉप करके ऐड करेंगे। मज़े का फ्लेवर है, विटामिन सी है, बहुत कुछ है चीज़ मिर्चों में, ठीक है। तो इसे जब तक ये प्याज जी हमारी लाइट ब्राउन हो रही, मिर्चों को चॉप कर रहे हैं आप, मशीन में नहीं पीस रहे, यहीं आपके सामने चॉप करेंगे। कितनी ऐड करें, चार देख लें, चलिए पांचवी भी आ गई, ठीक है जी। पांच अदद ग्रीन चिलीज है इसके आपके सामने है, इसको चॉप कर लेते हैं जब तक प्याज ब्राउन हो रही। बीज के साथ, सीड्स के साथ इस तरह किया, और उसके बाद इस तरह चॉप किया। दूसरी मिर्च, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मिसेस हसनैन, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों के बाद आप आपकी हाजिरी लगी मैडम आज। नहीं, वो पता है अक्सर ये होता है कि मैं इस वक्त जरा मसरूफ होती हूँ, तो मैं कर नहीं पा रही थी फोन आपको। इस कदर मसरूफ हो गई, हमें भी भूल गई आप। जी जी, नहीं नहीं भूले नहीं है, आपको बताऊं अभी लतीफा ऐसा याद रखा हुआ है कि हफ्ते वाले दिन कॉल करके कह रही हूँ कि मैंने कहा शेफ इकबाल से बात कर ली। अरे अरे क्या बात, वो हंस रहा है, वो कह रहा है मिसेज हसनैन तो आप पुरानी कॉलर हैं, लेकिन अभी वो आज आज इकबाल नहीं है। मैंने फिर आके देखा, मैंने कहा ओहो कितनी बुरी बात। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया मिसेज हसनैन, और आप बहुत अच्छा बोलती हैं माशाल्लाह। बताएं आपको मौजूद है, हेलो जा चुके, डिस्कनेक्ट हुई मेरे ख्याल से, पता है ना। बट बहुत शुक्रिया, फिर ट्राई कर सकते हैं, और शुक्रिया जी, सिंपली थैंक यू एवरीवन। ठीक है, चॉप करें ग्रीन चिलीज को। ये जो देसी जो बिरयानी लोग बनाते हैं, यू नो, ये जो वुड लकड़ी जलाकर और जो बनाते हैं, वो भी इसी तरह मिर्च ऐड करते हैं। और हमने देखा कि न्याज वगैरह की चीज़ें उसमें भी इसी तरह वो पीस कर ऐड करते हैं, उसका अलग ही फ्लेवर आता है। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सफ़ेद बिरयानी बना रहे हैं, सिलसिला जारी है, लाइव मौजूद हैं रोज़ाना 6 से 7 ऑन K21 न्यूज़। और ऐड करना है इसमें देसी मुर्ग जो हमने खुद कटवाई लाए, मौजूद है ऐड की, और मौजूद हैं, देखते हैं कॉलर परदेश से हैं, परदेश से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जा चुके हैं, ठीक है जी। कहते हैं ना, उस देश से मेरा नाता है जहां प्यार चराग जलाता है, उस देश से मेरा नाता है जहां प्यार चराग जलाता है, जहां रमजान के बाबरकत महीने में भी लाखों लोगों की अफ्तारी कराई जाती है, उस देश से मेरा नाता है जहां प्यार चराग जलाता है, और उसी देश से हमारा नाता है जहां मजेदार खाने बनते हैं, ठीक है जी। और उसी देश से मेरा नाता है, बुनाई हो रही है, कलर आ रहा है, उसके बाद इसमें बाकी दीगर चीजें ऐड करते हैं। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, सफेद बिरयानी बना रहे हैं, रेसिपी फॉलो करें, हमारा आपसे वादा है बहुत अच्छी बनेगी आपकी बिरयानी। 2-3 चीज़ों को फॉलो करें, मसाला अच्छा बनाएं, मीट गला लें, चावल को अच्छे से बॉईल करके रखा जाए, कीजिए दम अच्छा आए, तो बिरयानी आपकी आला बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ सब क्योंकि चाय में अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें जी, बहुत अच्छी, और ये सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करें इसी के अंदर,
अच्छी खासी अड़की हैं, किसी से तेज़ी भी आएगी, किसी से फ्लेवर भी आएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा मेरे से भी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है जी। ऐसे आप वाइट बनाए और रोटी के साथ, चपाती के साथ, चपाती के साथ, ये वाइट सालन चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मिक्स कर रहे हैं और बाकी दीगर चीज़ें ऐड करते हैं, दही भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दही भी फ्रेश योगर्ट, एक पाव दही ऐड किया और ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद सब मसाले ऐड करेंगे, दम पे रखेंगे, सिलसिला जारी है, कॉल शामिल करेंगे, आपकी राय होगी। फॉर बेस्ट रेसिपीज देखते रहिए शेफ 21। लेकिन दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेट्स टेक अ ब्रेक। सफ़ेद बिरयानी बना रहे हैं जी, सफ़ेद बिरयानी, कोई पिसे हुए स्पाइसेस नहीं किए, सिर्फ ऑयल ऐड किया, प्याज ऐड की, अदरक लहसुन मुर्गे ऐड की और ग्रीन चिली हरी मिर्चें शामिल की, दही ऐड किया, बुनाई का सिलसिला जारी है। अभी तक फुल कंप्लीट कुक तो नहीं हुआ, लेकिन अब इसमें हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, ये जावित्री ऐड करते हैं जी। दोस्तों ये जावित्री होती है, मैंने ऐड किया और जाय, साथ ही इसमें जायफल ऐड करते हैं जी, जायफल। कहने को ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको जब आप परचेज करते हैं तो अलग दिखती हैं, जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलग नजर आते हैं, उनका रिजल्ट उसका अलग होता है। तो ये भी मेक श्योर कि क्वालिटी भी अच्छी हो, कई फ्रूट्स, कई सब्जियां, काफ़ी चीज़ों में सिर्फ ब्रांड को ना देखें, आप क्वालिटी देखें, उसका इस्तेमाल करें, तो फिर इस्तेमाल करने के बाद आपको आइडिया होगा कि उसकी क्वालिटी या उसका रिजल्ट या उसका जायका क्या आ रहा है। तो डेट्स वोट मेक द डिफरेंस। तो जायफल को इस तरह काट रहे हैं जी, बहुत मोहब्बत से, प्यार से, क्योंकि जाहिर है इसमें ज्यादा पिसे हुए मसाले नहीं है। ठीक है, तो इसमें इतनी ज्यादा ऐड नहीं कर, तो जायफल भी ऐड कर रहे हैं जी। अब दीगर पिसे स्पाइसेस, सफेद मिर्च जनाब एक चाय का चम्मच, नमक हुआ जब हुआ जहां से जायके का आगाज, ऐड किया सफेद जीरा एक चम्मच लगभग, गरम मसाला पाउडर ये भी एक चम्मच लगभग, फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम भी इसी के अंदर ऐड करें जी। ठीक है जी, और मेक श्योर अच्छे ब्रांड की हो, अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि इन चीजों से फर्क आता है जायके में। ठीक है जी, और प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया ऐड कर रहे हैं, मिक्स पिसी मिर्चें भी ऐड की, कुछ साबित मिर्चें भी ऐड करते हैं जी, जो अहम अज्जा है बिरयानी के लिए। तो ये भी इसी के अंदर ऐड की, ज़रा मिक्स कर रहे हैं, फिर दम पे रखेंगे, तैयार करेंगे इंशाल्लाह हमारी ये मज़ेदार सफ़ेद बिरयानी। इस पॉइंट पर चेक कर लीजिए, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, ज़रूरी हैं कि यहाँ भी नमक की मकदार बिल्कुल बैलेंस हो, ठीक हो, और चावल में भी। ठीक है, वो चीज़ कि अगर कम हो जाए आखिर में ऊपर से आप ऐड कर लें तो फिर मज़ा नहीं आता, अच्छे से सॉल्ट ना रखें, बैलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हल्का सा कम रखें। ठीक है, तो बेहतर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं रुखसाना जी? अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे भी आप खुशबू और मुख्तलिफ जैसे चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे नमक की बात करें कि या कोई मसाले ऊपर से डालें, इसी तरीके से अगर कौरमा बनाते हैं तो कौरमे में जैसे जायफल जावेत्री, इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें इलायची का अपने ही मसालों से भी अगर बनाया जाए तो उसमें जैसे इलायची भी थोड़ी सी कूट के डाली जाए, तो छोटी इलायची, तो उसका मजा दोबाला हो जाता है कौरमे का। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। सब इलायची और जी, चाहे किसी भी गोश्त का हो, मुर्गी का हो या बकरी का हो या गाय का हो, लेकिन उसमें ये चीजें पड़ जाए तो खुशबू बेहतरीन हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ऐसा ही है जी। अभी आपने इसमें क्रीम ऐड की है ये जो बना रहे हैं। हाँ, तो क्रीम से मलाई टाइप का एक चीज हो जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आज आपके मेन्यू में क्या बनना है वैसे? अभी तो आलू। कुकिंग करती हैं या फिर नहीं करती? ये सब रेसिपी शेयर करती हैं हमारे साथ? बिल्कुल करती हूँ, लेकिन मैं जरा कम करती हूँ। कम करती हूँ, और जब करती हूँ तो मेरी चीज़ें बड़ी अच्छी बनती हैं, इसलिए मैं स्वीट डिश बड़ी अच्छी बनाती हूँ। स्वीट डिश है, क्या बात है जी। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। ठीक है जी, चूल्हा इसका बहुत ही कम रखा है, धीमी आंच, और ये चावल जो हैं ये हम बिछा लेते हैं। पानी भी ऐड नहीं किया, क्योंकि जितने चावल हैं हमारे पास उस हिसाब से ये जो कौरमा जो है ये बैलेंस है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है जी, चावल भी बिछा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, और साथ ही ऑन द टॉप ये सब धनिया, पुदीना, मिर्चें, ये सभी चॉप करके ऐड करते हैं ऑन द टॉप, जिससे फ्लेवर भी आएगा, मजे की भी होगी। सब धनिया और सब पुदीना, ठीक है, साथ ही सब मिर्चें, ग्रीन चिलीज, ठीक है जी, धनिया पुदीना इस तरह ऑन द टॉप, कुछ एक दो मिर्चें रखी ऑन द टॉप, जरा सा कुकिंग ऑयल इस तरह फैलाइएगा, और वक्त हमारे पास है तो इंशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा देर से दम पे रखेंगे ताकि ज़बरदस्त ये हो जाए तैयार। वैसे तो वाइट बिरयानी, अगर आप चाहें तो टमाटर भी यहाँ रख सकते हैं, कलर नहीं आएगा। ठीक है जी, रफ स्लाइस कर रहे हैं और हाफ मोड। ठीक है दोस्तों, ये भी इस तरह ऊपर रखा, तो ये सफेद बिरयानी हमारी जोड़ी है तैयार। इसे हम करते हैं कवर, और दम पे रखना है काफी टाइट, काफी देर रखना है लेकिन। ठीक है जी, ठीक से इसे कवर किया, और दोस्तों ऐसा करते हैं कि ये रोटी वाला ये मोटे पैने वाला तवा है, क्योंकि वक्त हमारे पास है, तो इसी के ऊपर, इसी बोर्ड के ऊपर रखेंगे ताकि ज़्यादा देर आए और अच्छा दम आए, और मेक श्योर कि बार बार यू नो कवर हटाकर चेक करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, रायते सैलेड की तरफ चलेंगे एक वक्फे की जानिब, जब तक कि ब्रेक है। ब्रेक के बाद अंडे का रायता इंशाल्लाह बनाएंगे, अंडे का रायता या सैलेड बनाएंगे, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू अवर शो, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक मरतबा फिर, बल्कि
लास्ट टाइम। ठीक है जी, सफ़ेद बिरयानी दम पे रखा है और जितनी ज़्यादा देर है उतना ही बेहतर है, बल्कि आज हमने चूल्हे पे रखा ही नहीं, डायरेक्टली हमने पैंदे के ऊपर रोटी वाले तवे के ऊपर रखा है। जितनी ज़्यादा देर दम है उतना अच्छा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे ये लाला साहब की कैमरे की नज़र से कि अच्छी तरह गर्म हो चुका है, जिसका मतलब यहाँ दम आ चुका है। ठीक है, मॉइस्चराइजर दम आ नहीं चुका, एक तरह से स्टीम बन चुकी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ आपको मॉइस्चराइजर फील होगा ये जो कवर के ऊपर। अब यहाँ से मजीद 8-10 मिनट तक रखना है, इसे रोटी वाला ही ज़रूर रखें ताकि लगे भी ना, और एक ऐसी हीट इसके अंदर बने जिससे गलता भी है चावल, खुलता भी, स्टीम के बाद चावल खुलता है ठीक से, अच्छा हो जाता है। इसी तरह मीट और सफ़ेद बिरयानी, और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तो लोग नहीं खा सकते, लेकिन मेरे ख्याल से 6-7 अफराद के लिए काफ़ी है, 6-7 अफराद के लिए काफ़ी है। रायता हो, सैलड हो, उसका अपना ही मज़ा जी। ठीक है जी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो बहुत दिनों से इंतज़ार है, दिल चाह रहा था इस चीज़ बनाए, तो आज आप सभी दोस्तों के साथ ही शेयर करें। सफ़ेद बिरयानी दम पे रखा है, कुछ उबले हुए अंडे मौजूद हैं, तो इसका भी कुछ बना लेते हैं। एक सैलड बनाते हैं जिसमें हमने इसका इसी से बनाएंगे, जिसमें बॉइल्ड एग भी ऐड करना है, और यहाँ पे इसी ये विलमैक्स का बॉल जो जिससे हमने सफ़ेद बिरयानी के अंदर दही ऐड किया था, इसी में से ज़रा आपने दही बचाया है और इसे फेंट लीजिए बहुत अच्छे से। और इस कर्दू से मौजूद हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हेलो जी सर, कौन बात कर रहे हैं आप? कर्दू से मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद बात कर रहा हूँ। मास्टर गुलाम मोहम्मद, कैसे हैं आप जी? आपकी दुआ है, ठीक ठाक है। क्या बात, और आप कैसे? ठीक ठाक। कैसा मौसम है इस कर्दू का साहब? कर्दू का तो बहुत बेहतरीन मौसम है। कितना बेहतरीन, क्या ठंडे गर्मी है क्या? आज 2 या 3 दिन हो गए खिड़कियां खोल के रखते, वरना खिड़कियां बंद दरवाजे बंद। मजा आता जब खिड़कियां दरवाजे बंद हो, अंदर ठंड हो, है ना? ठीक है सर जी, आजकल बस आज 2 या 3 दिन है मौसम थोड़ा बहुत गर्म है। क्या बात है जी, क्या बात, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमने काफी काम किया है। कहाँ पे टीवी पे होते थे ना उस वक्त आपका प्रोग्राम हम लोग? कहाँ पे? टीवी पे होते थे। जी 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 जी। उसके बाद फिर चैनल पे चले गए, खैर उसका तो मैं नाम भूल गया। अभी तक आप 21 पे आए, तो हम लोग ने इधर हमारे केबल वालों को बोला भाई अखबार इधर है तो हमें ये चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, आप लग रहे पक्के चाहने वाले, जिस तरह आपने बाकी चैनल पे फॉलो किया। हर वक्त देखते हैं, कल भी लगा, कल भी मैंने कॉल की थी तो आखिरी टाइम पे था, फिर वो कॉल ड्रॉप हो गई। कोई बात नहीं, चले आज मिल गई कॉल आपकी। कारगिल सेक्टर है अखबार भाई, बिल्कुल यहाँ से हमारा बस इंडिया का बॉर्डर है। इंडिया का बॉर्डर है जी हाँ। तो बल्तिस्तान के साथ लगता है इंडिया का बॉर्डर? बल्तिस्तान का हमारे दरिया सिंह जहाँ से आता है उसी इलाके के हम लोग, कारगिल सेक्टर के। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, दरिया सिंह हमारे इलाके से ही पाकिस्तान में एंटर होता है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। तो आपके यहाँ के कोई खाने क्या चीजें मशहूर है वहाँ पे, ये क्या चीजें बनाते हैं? हमारे यहाँ के खाने तो बहुत ज्यादा सिंपल है इकबाल भाई। क्या होता है? बहुत ज्यादा सिंपल। हमारे यहाँ के खाने अक्सर मतलब बगैर गोश्त के सब्जी और ये जो के आटे से अक्सर खाने बनते हैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात। शायद आज का कोई सवाल है कि नहीं, है कि नहीं आज सवाल? सवाल जो पूछने थे पूछ लिया आपसे, बाकी खैर सच तो कोई सवाल नहीं है। यार अखबार भाई, इतने दूर से किया, कम से कम इतने दूर वाले को तो इनाम मिलना चाहिए ना। आपकी कॉल मिल गई और हम बात कर रहे हैं इससे। बाकी रखेंगे इंशाल्लाह, नाम वाले सिस्टर भी साथ हैं आपके। जी हाँ इंशाल्लाह, आइंदा आपसे रास्ते में रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे कोई अचार जो मुख्तलिफ अकसाम बनाने का कोई, तभी आपने पिछली तो आपने कई दफा सिखाया था इधर भी, आप क्या चीज अचार बनाते? आजकल हम खट्टे खाने नहीं खा रहे तो नहीं बनाए, लेकिन बनाएंगे आपके लिए। अच्छा ठीक, हमारे खैर इधर तो हमारे पास दूध पका हुआ है, चेरी पका हुआ है, ठीक ठाक इसका सीजन है आजकल तो। जरूर जरूर गुलाम मोहम्मद, जरूर इंशाल्लाह आपके लिए अचार बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं नींबू का अचार। ठीक है जी,
अकबाल भाई मेरे लिए गिफ्ट भेज देना जरूर। हाँ जरूर, आप एड्रेस लिखवा दे अपना। ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, दम आ रहा है और दम आ रहा है इसका मतलब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन। इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और आपको बताएंगे, बल्कि आप भी, क्योंकि हम कल नहीं आ रहे तो मंडे को मुलाकात होगी। दिन बिटवीन आप बनाएं और मंडे को हमें बताइए कि कैसा तैयार हुआ। ठीक है जी, अच्छे से मिक्स कीजिए दही को और शुक्रिया जो लोग यहाँ भी वहाँ भी पाकिस्तान टेलीविजन में जो लोग मौजूद रहे। हमने 700 एपिसोड किए पीटीवी पे, मैंने 700 एपिसोड किए हमने 700। ठीक है, नेशनल टेलीविजन है, नाम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ वेजिटेबल ऐड करते हैं इसके अंदर, तो चाहें ज़रा दही बिरयानी के साथ ज़रा सा गीलापन मॉइस्चराइजर आ। ठीक है जी, और यकीनन पीटीवी इस इंडस्ट्री का बेसिक मदरसा, जो लोग पीटीवी पे प्रोग्राम मैनेजर थे या जो लोग जिन्होंने काम किया डायरेक्टर थे, वो आज अपने चैनल्स के मालिक हैं, तो पीटीवी ने यकीनन। अच्छा जी, वक्त कम है, क्या भी जिस तरह चॉप करें जी। कैबेज बहुत ज्यादा ऐड नहीं करें जी, चॉप करें। एक अदद टमाटर, दो पीस और इस तरह रफ काटा और चॉप कर रहे हैं। सब्ज धनिया भी जरा चॉप करके ऐड करें। अब मिर्ची हमने वहां ऐड की, तो एक मिर्च इसमें भी ऐड कर लेते हैं, क्या ख्याल है। ठीक है जी, तो ये कैबेज टमाटर धनिया मिर्च सब कुछ ऐड किया इसी के अंदर। बॉयल अंडा भी ऐड करते हैं, देखो कितना ये हेल्दी सैलड है, इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, सब कुछ है, और साथ ही अंडे के तो। ठीक है जी, इस तरह रफ, कितना वक्त है, कितना टाइम है, 6 से बनाए हैं ये रायता सैलड से मिक्स करें। अंडे बॉइल टॉप पे ऐड करेंगे ऑन द टॉप ऑफ रायता सैलड। ठीक है जी, और बाकी जो आप फरमाइशें करते हैं सरांखों पे जी, चाहे गिफ्ट की हो बाकी सब चीज़ों की, यकीनन बहुत मोहब्बत रखते हैं आप, प्यार है आपका। ये तो वैसे भी अच्छा लगेगा, साथ ही जो बॉइल्ड अंडे काट के रखें ऑन द टॉप इस तरह ऐड करें। ठीक है जी, तो बस लेते हैं इजाजत एंड बिरयानी तो पेश करनी उससे पहले। दोस्तों बिरयानी का कवर हटाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह इसका कलर कैसा आया है, नहीं आया, जो भी है वो देख लेते हैं जी। कवर हटाएं जी, ये क्रीम आपको जो ऑन द टॉप दिख रही है, फिर से कहूंगा नॉर्मल बिरयानी से आपको ज्यादा मजे की लगेगी, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। सिंधी बिरयानी बम्बई बिरयानी आपस में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सफेद बिरयानी बिल्कुल अलग है। देखें नीचे इसका एक क्रीमी मसाला है, माशाल्लाह। एक दाना अलहदा होना जरूरी है, 20 मिनट तक हमने इसे दम पे रखा है 20 मिनट। ठीक है जी, सफेद बिरयानी निकालते हैं जी। क्या बात है जी, असद साहब इतनी मोहब्बत कहाँ ले जाएंगे हम आपकी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप ब्रोस्ट को फ्राइंग पैन में बना रहे हैं ये, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि डिश का जायका कैसा आपका।
ठीक है जी, फिर ये हम बाद में इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आपसे, और वक्त हो तो एक और ब्लेटर में निकाल लेंगे काफी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये सफेद बिरयानी और ये दोनों चीजें हो चुकी हैं तैयार। ये अंडे वाला सैलड यहाँ, सफेद बिरयानी पीछे। आप से ले रहे हैं इजाजत, ठीक है दोस्तों, आप से ले रहे हैं इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को नए शो नए एपिसोड के साथ। खुश रहें, शाद आबाद रहें। कल इंशाल्लाह लाइव नहीं होगी, मंडे को मुलाकात होगी, जरूर ट्राई करें। एंड थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।